माता पिता के बेवकूफ़ी के कारण भाई भाई और भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि माता पिता के बेवकूफ़ी के कारण भाई भाई और भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं, ये हमारा कहना है। आप भी ध्यान से रहना, ध्यान से जीना, क्योंकि किसी के साथ में भी ऐसा गलत कभी भी ना होना चाहिए। किसी एक बेटे या एक बेटी की बातों को सुनकर सत्य मान लेना और दूसरे बेटे को गलत ठहरा देना वो बहुत माँ बाप है। एक बहू को ज़्यादा मान दूसरे बहू को का तिरस्कार करना वो बहुत माँ बाप है। हम हमेशा बोलते सबका साथ सबका विकास सबको समान एक समान। एक बच्चे को ज़्यादा प्यार और दूसरे बच्चे को नुक्स निकालना वो भी महापाप है। घर में शादीशुदा बहन का ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना वो भी गलत है। समय रहते बंटवारा नहीं करते हैं और बाद में भाई से भाई लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो माता पिताओं की गलती है। बंटवारा में दोहरा नज़रिया रखना वो भी गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता हर छोटे बड़े बातों को बेटी और जवाई से साझा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता का किसी एक बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना नहीं चाहिए, सभी बराबर झुकाव रखना ही चाहिए। सबका साथ सबका विकास सबको एक समान देना ही चाहिए, यही हमारा कहना है। और माता पिता के बेवकूफ़ी के कारण भाई भाई और भाई बहन दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चाहे पैसा ज़्यादा हो या कम, वो पैसा मिट्टी के समान है, पैसा नहीं खा सकते हैं। प्रेम से जीना है, प्रेम से रहना है, यही हमारा कहना है। रूपाराम बौलाल यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के उसके ऊपर भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम हमेशा हर प्रकार का नए नए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे भाई और बहनों के लिए ज़िंदगी में जीना है और आगे बढ़ना है। किसी का भी घर टूटता है तो वो वापस ठीक हो सकता है, क्योंकि मेरे वीडियो जो भी इंसान देखता है वो हमेशा परिवार से प्रेम करेगा, वो दुश्मनी और लड़ाई नहीं करेगा, यही हमारा कहना है।